हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। गाइस, यहां पे वार में सिर्फ 30 मिनट्स रहते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डार्क नाइट विंग्स क्लैन को हंट किया गया है क्लैन मेट्स के द्वारा, और ये वार 30 vs 30 है, और इसमें टोनहाल 12 के जो प्लेयर्स हैं सिर्फ एक ही है दोनों तरफ से, यानी कि टोनहाल 12 दोनों तरफ से सिंगल है और बाकी टोनहाल 11, 10 और 9 है। तो हमारी तरफ से 89 स्टार किए गए हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं अपोनेंट की स्ट्रीक कितनी है। गाइस, 46 की स्ट्रीक, और ये स्ट्रीक आज दाव पे लगी है। देखते हैं ये वार कौन जीतता है। और हमारी तरफ से 89 स्टार किए गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हमारे जो हैश वन है, यानी कि जो टॉप का प्लेयर टोनहाल 12 का प्लेयर है रुपेश, अभी उसने अटैक नहीं किया है। और गाइस, रुपेश पुणे फाइटर का प्लेयर है, ये देखने लायक होगा कि तगड़ा अटैकर तो होगा ही, लेकिन कैसा अटैक करेगा, और ना ही वहां से अटैक हुआ। अभी वेट एंड वॉच गेम चल रही है, और हम लाइव अटैक देखेंगे कि ये वार कौन जीतेगा। तो देखते हैं अपोनेंट की स्ट्रीक आ जाएगी या नहीं। तो लाइव अटैक हम देखेंगे, अभी 29 मिनट्स लेफ्ट हैं। और गाइस, अभी उनके 86 स्टार हैं, और अभी हैश 5 और 1 पे अटैक करना है उन्हें। हैश 1 के दोनों अटैक्स हैं, और गाइस अभी दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के अटैक भी बचते हैं, तो ये बेस तो 3 स्टार हो ही जाएगा। लेकिन जो गेम देखने लायक है वो है हैश 1 पे, यानी कि दोनों तरफ से जो टोनहाल 12 हैं इस पे देखा जाएगा कि कितना परसेंटेज गेन करते हैं, क्या 3 स्टार ये अटैक्स होंगे या नहीं। गाइस, उनकी स्ट्रीक जो है 46 की, वो जाएगी, टूटेगी या नहीं। रिपुटेशन की बात है कि हंट किया गया है, तो अब तो स्ट्रीक तोड़नी ही पड़ेगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वार है, तो हम देखेंगे। और हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे, ताकि जो ही अटैक होगा तो हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे अटैक में। ये 46 की स्ट्रीक है, यानी कि काफ़ी मेहनत लगी होगी 46 स्ट्रीक बनाने में, और काफ़ी टाइम लगा होगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वार है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और गाइस, यहाँ पे एक लाइव अटैक हुआ है, हम देखेंगे लाइव अटैक। और ये अपोनेंट का नंबर 1 का प्लेयर टोनहाल 11 पे अटैक कर रहा है, 5 नंबर पे अटैक हो रहा है, और ओबीसी बात है टोनहाल लोअर टोनहाल पे अटैक हो रहा है, तो 3 स्टार तो होना है। लेट्स सी कि कैसा अटैक होता है। और यहाँ पे गाइस हाइब्रिड अटैक होगा, और 3 बेबी ड्रैगन्स भी हैं, और जो हीरोज़ हैं वो मैक्स लेवल के हैं, और ग्रैंड वार्डन भी जो है लेवल 40 का, तो कुछ विजार्ड्स हैं और 2-3 लोन्स हैं। और यहाँ पे 4 o'clock से अब 2 बेबी ड्रैगन डिप्लॉय किए गए हैं, और लेट्स सी कि कैसा अटैक जाता है। गाइस, 3 स्टार तो होगा गाइस, क्योंकि ये हाई टोन हॉल से लोअर टोन हॉल पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। लेट्स सी कि कनेक्शन बेटर हो जाए। और हमारे साथ अभी 7 और 2 9 बंदे लाइव अटैक देख रहे हैं ये, और अब जाके 3 o'clock से क्वीन डिप्लॉय कर दी है, और अभी 11 बंदे जुड़ गए हैं लाइव अटैक में। देखते हैं गाइस, और अभी आगे हम दूसरे अटैक देखेंगे, जो टोनहाल 12 वर्सेस 12 बैटल है वो देखने लायक है। और यहाँ पे क्वीन वॉक हो रहा है गाइस, क्योंकि एक साइड से यहाँ पे कोशिश है कि क्वीन साइड की बिल्डिंग्स ले, और दूसरी साइड से किंग डिप्लॉय किया गया है, मे बी उस साइड अब सीज ब्रैक डिप्लॉय हो। और यहाँ पे सीसी ब्लूर हो गया है, और यहाँ पे ईगल आर्टिलरी भी एक्टिवेट हो गई है, और अब सीज ब्रैक डिप्लॉय की गई है। और मे बी अब जो सेंटर का पोर्शन है, 3 o'clock से हॉग राइडर्स और माइनर्स डिप्लॉय हो सकते हैं, और देखते हैं सीसी ट्रूप में क्या हो सकता है, और हॉग राइडर्स हो सकते हैं, और अब हॉग राइडर डिप्लॉय हुए हैं विद ग्रैंड वार्डन, और आइसोलेटेड ईगल को फ्रीज किया गया है यहाँ पे, और एक हील। और गाइस, ये तो लग रहा है 3 स्टार हो ही जाएगा। और यहाँ पे और गाइस ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी दी गई है, और अभी एक हील और एक रेज है, और ये बेस तो 3 स्टार हो जाएगा गाइस। लेकिन जो असली बैटल है वो टोनहाल 12 वर्सेस 12 की बैटल है, वो देखेंगे हम। ये बेस तो गाइस 3 स्टार हो गया, और अभी बहुत सारे ट्रूप्स हैं, और एक रेज भी है, क्वीन एबिलिटी है, तो अब हम देखेंगे टोनहाल 12 वर्सेस 12। कम ऑन बॉयज, मेक दिस वार परफेक्ट। और गाइस, यहाँ पे दोनों तरफ से 89 स्टार्स किए गए हैं, और हम थोड़ा वीडियो को स्किप करेंगे, जो ही लाइव अटैक होगा टोनहाल 12 की जो बैटल होगी हम आपके साथ जुड़ेंगे। और गाइस, यहाँ पे अगर हम बेस देखें अपोनेंट जो टोनहाल 12 प्लेयर है,
मैक्स लेआउट बेस है गाइज, और जो वॉल्स हैं वो भी मैक्स हैं, और इन्फर्नो जो हैं वो मल्टीपल हैं, दो और एक इन्फर्नो सिंगल है। और देखते हैं गाइज कैसा अटैक होगा इस पर, क्या 3 स्टार होगा कि नहीं। और आप जुड़े रहें गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखते हैं गाइज जो पुणे फाइटर का प्लेयर है रुपेश, इसका बेस भी जो है गाइज मैक्स है, और जो हीरोज हैं वो भी मैक्स हैं, और तीनों इन्फर्नोस एक अच्छा लेआउट है, तीनों इन्फर्नोस मल्टीपल हैं, और दो एक्सबो जो हैं टोनल साइड वो ग्राउंड हैं। देखते हैं गाइज ये काफ़ी कांटेदार वार होने वाला है, और थोड़ा ही टाइम बच गया अब, और अब रिजल्ट हमें हमारे सामने आ जाएगा कुछ ही देर में। और गाइज यहाँ पे सिर्फ 12 मिनट्स अब रह गए हैं इस अटैक में, और देखते हैं कि कब अटैक होंगे। उम्मीद है कि जल्दी ही अटैक होंगे दोनों तरफ से। और गाइज लाइव अटैक देखते हैं, रुपेश का पुणे फाइटर का प्लेयर अपोनेंट के हैश वन पे अटैक कर रहा है, और ड्रैग और बैट अटैक है, और 4 फ्रीज भी हैं, और 10 ड्रैगन्स हैं, 7 लोन्स, और 6 बंदे जुड़ गए हैं इस अटैक में। और एक किंग डिप्लॉय किया गया है एक साइड, और यहाँ पे दूसरी साइड से क्वीन डिप्लॉय की गई है। 8 बंदे जुड़ गए हैं, 9 बंदे, और यहाँ पे कोशिश की गई है कि यहाँ पे फनल बने। गाइस क्या लगता है ये 3 स्टार होगा कि नहीं? और क्वीन की हेल्थ अभी काफ़ी है, और यकीनी नहीं एयर डिफेंस को तो ले लेगी। 10 बंदे जुड़ गए हैं गाइस इस लाइव अटैक में, और देखते हैं 3 स्टार होगा कि नहीं। और यहाँ पे बढ़िया फनल बन चुका है गाइस, 11 बंदे, और ड्रैगन्स अब डिप्लॉय किए गए हैं गाइस, क्योंकि इसमें बैट्स भी हैं, देखते हैं बैट्स कब डिप्लॉय होंगे। और यहाँ पे फनल तगड़ा बन गया है गाइस, 12 बंदे इस लाइव अटैक को देख रहे हैं, और देखते हैं गाइस। और सिंगल इन्फर्नो डाउन हो गया है, और आर्टिलरी भी एक्टिवेट है, और 13 बंदे इस वक्त एक्टिवेट हैं, और ग्रैंड वार्डन एबिलिटी दी गई है गाइस बढ़िया तरीके से। और अपोनेंट के सीसी में 2 मैक्स लेवल ड्रैगन्स हैं, क्या ये बेस 3 स्टार होगा कि नहीं गाइस, ये देखने लायक है। और जो सीसी में था वो बैटल ब्लिंप था, अब जाके बैट्स डिप्लॉय किए गए हैं इन्फर्नो को फ्रीज करके, और अभी काफ़ी ड्रैगन्स हैं, और अभी 3 फ्रीज भी हैं गाइस। 14 बंदे इस अटैक को देख रहे हैं गाइस, क्या ये 3 स्टार होगा गाइस? ये 3 स्टार लग रहा है कि 3 स्टार हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस ये बेस 3 स्टार, अभी भी 1 फ्रीज है, और 14 बंदे इस अटैक को देख रहे हैं, और गाइस ये बेस 3 स्टार हो गया। और कमाल का अटैक किया रुपेश ने, पुणे फाइटर का प्लेयर बढ़िया अटैक कर गया गाइस यहाँ पे, और काफ़ी ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी थी गाइस यहाँ पे, और तगड़े एक अच्छे तरीके से बेस को रीड आउट किया गया, और बढ़िया अटैक किया गया, और इसके साथ ये बेस 3 स्टार हो गया। और अब देखना होगा गाइस कि अपोनेंट की तरफ से क्या अटैक होगा, क्या वो 3 स्टार कर पाएंगे कि नहीं। और रुपेश की तरफ से एक बढ़िया अटैक, और लेट्स सी कि अब वहाँ से कैसा अटैक होगा, क्या ये वार ड्रॉ होगा कि यहाँ हमारा क्लैन जीतता है। और गाइस यहाँ पे मिक्स प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पे, और RC के प्लेयर्स हैं कुछ। और गाइस यहाँ हमारी तरफ से परफेक्ट वार हुई है 90 स्टार्स, और अपोनेंट का अटैक देखने लायक होगा, क्या वो 3 स्टार कर पाएंगे कि नहीं, और ये देखने लायक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है, रुपेश पे अटैक होने वाला है विद इन फ्यू मिनट्स या सेकंड्स, कुछ भी कह सकते हैं। और गाइस यहाँ पे सिर्फ 7 मिनट्स बच गए हैं, अटैक होने वाला होगा, और गाइस लाइव अटैक देखते हैं अपोनेंट की तरफ से, और ये अटैक हो रहा है ड्रैग और जैप और 6 लाइटनिंग, 3 रेज, 1 फ्रीज, और जो सीसी में है बैटल ब्लिंप है गाइस। और लेट्स सी कि ये 3 स्टार होता है कि नहीं। एक एयर डिफेंस को डाउन किया गया है लाइटनिंग से, और दूसरा एयर डिफेंस डाउन, और लेट्स सी कि गाइस हीरोज कहां पे डिप्लॉय होंगे। और 1 o'clock से हीरोज डिप्लॉय किए गए हैं, और क्वीन जो है एयर डिफेंस ले लेगी। इस वक्त 17 बंदे जुड़े हुए लाइव अटैक में, 17 बंदे इस अटैक को देख रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रीक दाव पे लगी है, क्या ये स्ट्रीक बचा पाएंगे, क्या ड्रॉ करेंगे गाइस? अब तो अगर ड्रॉ भी होगा तब भी इनकी स्ट्रीक जाएगी, और यहाँ पे क्वीन एक एयर डिफेंस ले ही लेगी, और यहाँ पे किंग ने भी एक अच्छा फनल बनाएगा, बना ही लिया। तो क्या लगता है गाइस 3 स्टार होगा कि नहीं? और गाइस यहाँ पे किंग ने भी अच्छा फनल बना लिया, और क्वीन ने एक एयर डिफेंस तो ही ले लिया, और देखते हैं, और विजार्ड टावर को भी ले लिया गाइस। और यहाँ पे किंग की एबिलिटी दी गई है, किंग ने काफ़ी अच्छी वैल्यू दी है यहाँ पे इस बेस में, और अच्छा फनल बन गया है। मुझे लग रहा है अब यहाँ पे जो ईगल आर्टिलरी है इस तरफ
ड्रैगन्स डिप्लॉय होंगे और वही हुआ गाइज, और पीछे इलेक्ट्रो ड्रैगन और कुछ लोन्स डिप्लॉय किए गए हैं, ईगल आर्टिलरी एक्टिवेट हो गई है, क्या ये बेस 3-स्टार होगा कि नहीं, और रेज दिया गया है गाइज, और ईगल आर्टिलरी अब डाउन होगी, हाँ होगी गाइज, और बैटल ब्लिंप भी डिप्लॉय हुई है, और ये टॉन हाल तो ले लेगी बैटल ब्लिंप, और ग्रैंड वार्डन एबिलिटी देखते हैं गाइज 3-स्टार होता है कि नहीं। यहाँ पे स्ट्रीक तो वैसे भी जाएगी, लेकिन क्या ड्रॉ कर पाएंगे, और ये तीन ने तो टोनहाल फोड़ दिया गाइस, क्या ये 3-स्टार होगा कि नहीं, और अभी भी काफ़ी सारे ड्रैगन्स हैं और एक विजार्ड भी है, और रुपेश के सीसी में लावा था, लावा भी फूट गया है गाइस, यहाँ पे ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं काफ़ी, और अभी भी इलेक्ट्रो ड्रैगन है और 3 से 4 ड्रैगन्स हैं, क्या ये 3-स्टार होगा गाइस, और ये देखने लायक है। अभी एक एयर डिफेंस है गाइस, वो डाउन नहीं हुआ है, यहाँ पे एयर डिफेंस ने काफ़ी डैमेज दे रहा है और एक ड्रैगन को डाउन कर दिया है, और क्या देखा जाएगा कि ड्रैगन डाउन करेंगे एयर डिफेंस को जल्दी, हाँ गाइस हो गया, क्या अभी भी 50 सेकंड्स हैं, 48, क्या ये टाइम आउट इशू तो नहीं होगा, क्या टाइम आउट हो जाएगा इस अटैक में, और एक साइड जो है कॉर्नर में इलेक्ट्रो ड्रैगन है, वो तो बिल्डिंग्स को डाउन कर ही देगा उस साइड, लेकिन यहाँ पे देखने लायक है कि जो हाई हिट पॉइंट बिल्डिंग्स है, जो गोल्ड स्टोरेज हैं क्या ये जल्दी डाउन होंगी कि नहीं गाइज। 29 सेकंड स्टैक में, और अभी भी 3 ड्रैगन्स हैं गाइज, और एक विजार्ड भी काम कर रही है अच्छे से, और देखते हैं कि टाइम आउट तो नहीं होगा, और जो विजार्ड है कैनन ने इसको डाउन कर दिया, और लेट्स सी के 3-स्टार होगा कि नहीं, और यहाँ पे एक मिनियन भी है, लेकिन एयर बम ने मिनियन को डाउन कर दिया गाइज 6 सेकंड्स, और क्या टाइम आउट होगा गाइज इस बेस में गाइज, टाइम आउट हो गया, इस तरीके से हम ये वार जीत गए, और अपोनेंट अपनी स्ट्रीक भी गवा चुके हैं, और 96% हुआ इस बेस पे गाइज, टाइम आउट हो गया इस अटैक में, और इस तरीके से ये वार हम जीत गए, और अपोनेंट ने 46 की स्ट्रीक आज गवा दी गाइज, काफ़ी मेहनत लगी होगी, लेकिन आज एक तगड़े वार से और अच्छे क्लैन के साथ इनको हारना ही पड़ा। यहाँ पे 3-स्टार भी हो जाता फिर भी यहाँ पे उनकी स्ट्रीक जाती, क्योंकि यहाँ पे ड्रा हो जाता वार, क्योंकि हमारी तरफ से परफेक्ट वार हुई है। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स लाते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।